एक गोलगप्पा लीजिए और इस तरीके से हम फोड़ लेंगे। और दो तीन आलू लीजिए इस तरीके से, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो रेहाना किचन में एकदम गोलगप्पा, गोलगप्पे के आप शौकीन हैं और ख़ास तौर से सूजी के गोलगप्पे एकदम फूले फूले बेहतरीन, जो आपको हलवाई और मार्केट से भी बेहतरीन, देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। तो इस तरीके के गोलगप्पे आप पीछे से भी देख सकते हैं और बाहर से भी, एकदम कोई भी सा भी गोलगप्पा उठाएंगे एकदम फूले फूले हैं, पहली बार में परफेक्ट और पानी के साथ एकदम क्रिस्पी। सूजी का गोलगप्पे बनाने के लिए हम ले लेंगे मेजर कप से एक कप सूजी। सूजी मोटी पतली कोई भी हो दिक्कत नहीं, लेकिन वेट में देखा जाए तो 200 के करीब सूजी है। और उसके लिए हम ले लेंगे 40 ग्राम के करीब तेल। तो ये रिफाइन ऑयल है, वो हमने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तब तक हम यहाँ पे इस तरीके से होल बनाएंगे जिसके अंदर हम तेल को डालेंगे इस तरीके से। तो तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देंगे तेल इस तरीके से। हम गर्म पानी ले लिए मेजर कप से है, जिस कप से तेल लिए थे तो उसका हम भर के ले लेंगे गर्म पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। हम मिक्स कर लेंगे, यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो यहाँ पे आधा कप और हम पानी ले लेंगे, गर्म ही पानी है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि सूजी पानी को ज़्यादा ही सोखता है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हाथों से इकट्ठा कर लेना है। तो देख सकते हैं 1.5 कप पानी लगा है, जिस मेजर कप से हम तेल लिए थे उसी से। तो यहाँ पे सूजी का इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अभी गूंथना नहीं है, इस तरीके से इकट्ठा करके, और हलवाई लोग क्या करते हैं ऐसे पटकते हैं, चाहे आप प्लेट में पटकिए या किसी स्लीप पे या कोई ऐसा ले लीजिए, इसे 10 से 12 बार इस तरीके से पलट देते हैं जिसमें अच्छा सा एयर बनेगा। तो उससे 8 से 10 बार इस तरीके से पटक के हम कर लिए हैं। उसके बाद इसे क्या करते हैं कि 10 मिनट का हम रेस्ट देंगे। तक सूजी रेस्ट पे है, यहाँ पे मैंने कटोरी में इमली को भिंगो दिया है, इसे भी साइड में करते हैं। का पानी बनाने के लिए बेहतरीन सी चटनी बनाते हैं। तो धनिया ले लिए, थोड़ा सा पुदीना है, 3 हरी मिर्च, तो इसे हम बारीक पीस लेते हैं। तो इधर चटनी हमने बना के रेडी कर लिया, इसमें नमक और थोड़ा सा अदरक भी डाल के हमने पीस लिया, बाद में इसे बनाएंगे। सर 10 मिनट हो गया है, सूजी भी अच्छे से फूल चुका है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। तो आप इस तरीके से 2-4 बार या रोल रोल इस तरीके से कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो इसे चलते हैं फटाफट बनाने। इसे उठाएंगे और इसमें हम 2 टुकड़े कर लेंगे, पहले 2 बाइट। तो एक को हम कपड़े से ढक देंगे और एक ले लेंगे। तो इस तरीके से हम रोल करेंगे और गैस पे चढ़ा देंगे तेल। तेल को भी साथ साथ गर्म करना है, बना के इसे रखते नहीं हैं, फटाफट हम बनाते हैं। तो इस तरीके से पतला पतला आप कर लेंगे और छोटे छोटे इस तरीके की हम लोइयां तोड़ लेंगे। तो एक लोई में इस तरीके से लंबा ही रखेंगे क्योंकि सूजी का गोलगप्पे लंबे होते हैं, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। एक और मैं करके दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से लोइयां ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, जब फ्राई करते रहेंगे और बनाते रहेंगे तुरंत, नहीं तो ये सूखते बहुत जल्दी हैं, फिर फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो इस तरीके से हम फटाफट कर लेते हैं। मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ, पहले हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और बेलन के हेल्प से हमें बस इस तरीके से कर लेना है। तो ये रेडी हो गया, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, हाथों से इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे और फटाफट इस तरीके से पतला हमें बेलना है। ये इस तरीके से रेडी हो गया है। तो चलते हैं फटाफट फ्राई करने। तेल हम पहले ही रख दिए हैं गर्म होने के लिए, हमने पहले ही रख दिया था, तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। तो एक एक गोलगप्पे हम बनाते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे, बना के पहले से नहीं रखना है। और ये अच्छे से तेल गर्म होंगे तो देखिए कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, ये अपने आप सारे फूले फूले गोलगप्पे, देखिए इस तरीके से गरम गरम तेल इसके ऊपर हम डालते जाएंगे, जिससे
ऊपर का भी क्रिस्पी होते जाएंगे, नीचे से गोल्डन कलर और ऊपर से हल्के हल्के सूजी के, तभी परफेक्ट होते हैं और सारे फूले फूले। उम्मीद है आपके भी एकदम बेहतरीन होंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमने पहला बैच तैयार कर लिया, सारे बैच का हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो कितने बेहतरीन फूले फूले एकदम गोलगप्पे देख रहे हैं सूजी के, और मैं दिखा रही हूँ क्रिस्पी, इतना बेहतरीन है। जब घर पे बन जाए हलवाई जैसा तो हम मार्केट क्यों जाए, देख रहे हैं। तो इसका चलते हैं हम फटाफट कर लिए हैं, एक बेहतरीन सा चटपटा पानी बनाएंगे। पानी बनाने से पहले मैंने आलू को उबाल के छोटे छोटे पीस को काट लिए, जिसे बहुत बेहतरीन होगा। तो इसे हम साइड में रखते हैं, एक बाउल्स रख लिए हैं। यहाँ पे जो हमने पुदीने हरे पत्ते धनिया के मिर्ची और अदरक नमक डाल के इस पानी को हम इसके अंदर, यहाँ पे हम ठंडा पानी लेंगे। जो हमने भिंगो के रखा है अच्छे से हो गया है, तो इसके बीज को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो इसे भी हम अंदर डाल देंगे, इमली की पानी से बहुत टेस्टी होगा। यहाँ पे बूंदी है, बूंदी भी इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच। इसके अंदर 1 चम्मच जीरा का पाउडर, फ्रूट चाट है, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, क्योंकि इमली का पानी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने हरा मिर्च पीस रखा है, थोड़े से काली मिर्च का पाउडर, सौंफ का पाउडर, नमक डालेंगे, जाएगा इसके अंदर काला नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेहतरीन पानी बन गए ना, इस पानी को आप 2-2 कटोरी लेके ऐसे पियेंगे, इतनी टेस्टी लगती है। गोलगप्पे भी रेडी हैं और इसका बेहतरीन सा पानी भी। तो पूरी फुल वीडियो वॉच करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पानी भी परफेक्ट और गोलगप्पे भी इतना बेहतरीन कैसे बनाए। तो चलिए नेक्स्ट।